डब्ल्यू सिंह, आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ जिला के तहसील अतरौली भमूरी बुजुर्ग परगना का है, जहां गांव के रहने वाले एक परिवार ने बताया है कि उसकी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। हमारी जमीन बुजुर्गों के नाम है, जिसके पूरे कागजात हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन गांव के प्रधान एवं अन्य कुछ असामाजिक लोग दबंगों के साथ दे रहे हैं, जो कि जबरदस्ती हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित के द्वारा बताया गया है कि इस बात की शिकायत राजस्व अधिकारी एवं संबंधित क्षेत्रीय थाने में की गई है, लेकिन आज तक हमारी सुनवाई नहीं हो सकी। पीड़ित के द्वारा बताया गया कि दबंगों की शिकायत करने पर हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन एवं शासन पीड़ित की किस तरह मदद करता है। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या समस्या है आपकी? जमीन की समस्या है कि हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। किन लोगों ने कब्जा किया? और बसीर नुसरत, नुसरत अली, हजरत अली, हसन अली। तो आपने कहीं शिकायत की? शिकायत की थाने में करी, तहसील में करी, एटीएम के जहां शिकायत करी, बहुत जगह डोलिया सीएम अलीगढ़ गए, एसएसपी के जहां। अब तुम्हारी मदद करेंगे, अभी तक मदद नहीं हुई और 6-7 महीने हो गए कंट्री में लगाए हुए, कब्जा करा पड़े। अब मड़ैया बना लिया उन्होंने, ऐसा मारने की धमकी देते हैं मुझे, मुझे जान से मार देंगे, एक्सीडेंट करवा देंगे, 1,00,000 रुपये चाहे किसी गाड़ी को दे देंगे, वो मार के चला जाए। किन लोगों ने धमकी दी है? मुबारक ने और आरिफ प्रधान ने और क्या कहते हैं आरिफ बसीर खान का आरिफ है और नुसरत अली है। नुसरत अली की कहता है कि मैं तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगा, ज्यादा वो कर आता। क्या नाम है आपके? कहाँ की रहने वाली हो? बुजुर्ग। क्या नाम है? अंजुम बेगम। अच्छा, किस तरह का मामला शिकायत को लेकर आप यहाँ पे आई हैं? हाँ, इसलिए आए कि हमारी दादा लाई है और ये मेड मिलान नहीं है और ये जबरदस्ती फ्रेगमेंट में कब्जा कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? आरिफ प्रधान, मुबारक और निसरत अली बसीर और ये क्या कहते हैं आरिफ लंगड़ा बसीर, वो हसन अली, एक हजरत अली, और ये लोग माफिया है। मुबारक हमें धमकी भी देता है। क्या धमकी देते हैं? मार देंगे, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? आरिफ प्रधान भी कहता है यहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे उनको वहाँ मार देंगे। तो आपने कहीं शिकायत की? किसी अधिकारी के पास गई हैं आप? जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। कहाँ पे गई? थाने में भी देकर आए, एसएसपी के यहाँ, डीएम के सबके यहाँ दे रखे। तो क्या बोला जाता है वहाँ पर? ये कह देते हैं हाँ कर रहे हैं कुछ डाल दिया। कितने दिन हो गए आपको अधिकारियों के पास चक्कर लगाते लगाते? 1.5 साल हो गए हमें चक्कर लगाते लगाते और ये 6-7 महीने हो गए। ये बाउंड्री कराई थी, एक बार बाउंड्री कराई तो हमें पता चली, हमने कंप्लेन करी, देखा तो मतलब वहाँ पर बाउंड्री हो रही थी। फिर हम वहाँ जाते, इन लोगों ने साजिश रची थी, डंडे लेके बैठे हुए थे कि आएंगे मारेंगे, तो हम वहाँ नहीं गए, हम थाने में गए। थाने वालों ने कह दी कि कोर्ट से वो लेकर आओ, कोर्ट के कागज लेकर। जब कोर्ट के कागज लेके गए तो वहाँ पर फिर कह दी क्या कहते एप्लीकेशन लेकर आओ अतरौली, अतरौली जाओ। फिर अतरौली आए, फिर यहाँ वकील साहब ने सबने बहस करी, वो पटवारी ने कह दिया कि बंद हो गई लाग, और जब 2:30 बजे दिखा दिया बंद हुई है लाग, और 4:30 बजे तक लाग चली रही। फिर हमारी लड़की गई वहाँ, वीडियो बना कर डाली, जब एस डी एम साहब के पास गई, जब देखा कि जब रुकी गई नहीं 4:30 बजे।